महाभारत में द्रोणाचार्य का किरदार निभाने वाले सुरेंद्र पाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनने पर कहा कि अब हम लोगों को दिवाली मनानी चाहिए क्योंकि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारत देश को पाकिस्तान से इतना डर नहीं है जितना देश के अंदर बैठे जय चंदों से है, क्योंकि भारत के अंदर बैठे जय चंद ही इस देश को डुबाने में लगे हैं और देश के विपरीत माहौल बनाकर विदेश में भारत देश को बदनाम कर रहे हैं। ये बात आज उन्होंने बहरोड में होटल हाईवे एक्सप्रेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही। पर आप आए हैं, किस तरह लगा जिस तरह आप यूपी का माहौल और राजस्थान का? राजस्थान जो है वो आन बान शान का प्रतीक है और हमारे महाराणा प्रताप की वीरों की धरती है। यहाँ पर हमारे जो भी राजा महाराजा रहे हैं इतिहास इसी बात का गवाह है कि वो शेर थे और शेरों की जिंदगी जिए हैं। हमने किताबों में भी पढ़ा, अपने अपने स्कूल की किताबों में भी यही पढ़ा, महाराणा प्रताप और अपना जितने भी बड़े बड़े हमारे राजा महाराजा हुए हैं अभी तक उनकी वीर कथाएं पढ़ी हमने। तो वीरों की धरती है और वीरों की धरती पर आना ये सौभाग्य है हमारा। महाभारत जब हमने की थी तो हमें ऐसा लगता था कि जब तक हमने राजस्थान की भूमि पे आके महाभारत की शूटिंग नहीं की तब तक हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा महाभारत अधूरा है। और जब हम यहाँ जयपुर और अजमेर के बीच में महला गांव था जहां पर आकर हमने महाभारत का जो युद्ध हुआ था, जो भीषण युद्ध हुआ था, वो राजस्थान की इस धरती पर ही हुआ था। तो कई मायनों में राजस्थान फिल्म वालों के लिए भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट सी जगह है और हम लोगों के लिए तो, कलाकारों के लिए तो सबसे प्यारी जगह है, क्योंकि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमने गुलामी फिल्म की थी जयपुर में, फतेहपुर शेखावटी में और सीकर में, और इन्हीं जगहों पर हमने जाके शूटिंग की थी। और वो फिल्म जो थी गुलामी, जिसमें धर्मेंद्र जी, मिथुन चक्रवर्ती, नसीर साहब, रीना रॉय, स्मिता पाटिल जी, ये सब बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया था और हमने भी उसमें एक सूरज भान सिंह की डाकू की भूमिका निभाई थी। वो सौभाग्य मुझे मिला था। करियर की शुरुआत थी इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो कई मायनों में राजस्थान मेरे लिए तो बहुत अहम भूमिका रखता है और वहाँ से हमने अपना करियर शुरू किया था। और जब हमारी गुलामी रिलीज हुई थी तो बहुत बड़ी हिट हुई और उसके बाद हमें बी आर चोपड़ा द्वारा निर्मित ये शो महाभारत मिला, जिसकी कास्टिंग गोपी पेंडल साहब कर रहे थे और उन्होंने फिर हमें बुलाया इस फिल्म के लिए, सीरियल के लिए, और उन्होंने हमें उपयुक्त भूमिका जो भी थी द्रोणाचार्य की भूमिका दी। मैं उस महान हस्ती को नमन करता हूँ जिनका नाम बी आर चोपड़ा था और उनके पुत्र रवि चोपड़ा साहब का, जिनकी दूरदर्शिता थी उस चीज को भांप लेने की, उस चीज को देख लेने के लिए कि इस कलाकार में वो दम है, वो दमखम है और ये इस भूमिका को अच्छी तरह से निभा सकता है। जैसा कि आजकल का युग ये कहता है कि नई जनरेशन ये कहती है कि हर चीज का लुक टेस्ट दिया जाएगा, लुक टेस्ट द्वारा ही आपको पता लगता है कि ये व्यक्ति जो है इस भूमिका को करने में समर्थ है या नहीं है। लेकिन बी आर चोपड़ा साहब की आंखों के अंदर और रवि चोपड़ा साहब की आंखों के अंदर कैमरा फिट था, जिससे वो इनको ये पता लग जाता था कि ये इस रोल को करने के लिए पूर्ण तरह से सक्षम है। आज अगर मुझे द्रोणाचार्य की भूमिका नहीं मिली होती, और हमने कभी सोचा भी नहीं था
कि महाभारत जो है इतना बड़ा ऐतिहासिक हिट होगा और जब महाभारत टेलीकास्ट होगा तो हिंदुस्तान की सड़कों पर कर्फ्यू लग जाया करेगा, ये हमने कभी सोचा नहीं था। हमने क्या नहीं सोचा था मेरे ख्याल से किसी भी कलाकार ने ये नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा हिट होगा। हमें रामायण इसलिए लगता था कि रामायण इसलिए हिट हो गया है क्योंकि इसमें हमारे भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी थे, सीता मैया थी, लक्ष्मण जी थे, भगवान श्री हनुमान जी थे, तो इस तरह हमें लगता था कि ये सारे जो हैं पात्र हमारे भगवान हैं और ये हिट हो गए हैं। लेकिन महाभारत में कोई भगवान नहीं था सिवाय भगवान श्री कृष्ण के, तो उसका प्रश्न चिन्ह था हमारे सामने। लेकिन जब वो टेलीकास्ट हुआ और हिंदुस्तान के लोगों ने इसे दूरदर्शन के ऊपर देखा तो बहुत ज्यादा पसंद किया गया, बहुत ज्यादा लाइक किया गया। मुझे याद है कि उन दिनों टीवी इतना ज्यादा होता भी नहीं था, गांव गांव में नहीं होता था, लोगों के पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो आज भी मुझे 35 साल के बाद भी मिलता है तो ये जरूर कहता है कि मैंने महाभारत में देखा था और महाभारत आज भी मुझे याद है, या आज भी लोग देखते थे। इन दिनों जब कोरोना भी हुआ था उस दौर में भी लोगों ने महाभारत को काफ़ी देखा। महाभारत से मेरी यात्रा शुरू होती है और उसके बाद इस 35 साल की इस यात्रा में मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मैं आगे बढ़ता ही चला गया और हर तरह की भूमिकाएं जो मेरे सामने आई, जैसे महाभारत के तुरंत बाद मेरे को चाणक्य सीरियल मिल गया था जिसमें मैं टोटली बॉल्ड था और एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल था, ड्रोन अलग एक रोल था, ये अलग था, और वो भूमिका मैंने की चाणक्य के अंदर अमात्य राक्षस की, जिसे डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने बनाया था, बहुत पॉपुलर रहा सीरियल, वो भी दूरदर्शन के ऊपर आता था, बहुत पॉपुलर रहा। उसके बाद शक्तिमान आ गया मेरे हाथ में, उसमें एक एलियन की भूमिका जिसमें अंधेरा कायम रहे हमेशा। अब एलियन की भूमिका एक बहुत डिफिकल्ट रोल था मेरे लिए क्योंकि उसका कोई रेफरेंस हमारे पास था नहीं, कहीं से भी नहीं था। लेकिन फिर हमने उसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट किया कि उसकी हाव भाव कैसे होंगे, उसका गेटअप कैसा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी नाक कैसे होगी, उसकी आँख कैसे होगी, नेल्स से लेके दांत तक हमने हर चीज़ को वर्कआउट किया। और उसके बाद वो सारा कुछ करने के बाद किलविश हिंदुस्तान में आया और उसका जो गुड्डा था उसे हमने हटाया। हटाने के बाद हिंदुस्तान के सभी बच्चों को मेरे ख्याल से जो आज उस वक्त बहुत छोटे छोटे रहे होंगे, अब कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई आईएएस ऑफिसर बन गया, सभी लोगों ने उस भूमिका को देखा और बच्चों में मेरे ख्याल से आज तक इतना पॉपुलर धारावाहिक कोई नहीं आया होगा जितना शक्तिमान। सर, पहले की महाभारत और अब की जो महाभारत है, राजनीति पर जो है, किस तरह देखते हैं आप उसको? देखिए, जीरोस्कॉपी ही होती है, ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है। पहले की महाभारत में जो था वो महाभारत की सोल थी, आत्मा थी उसके अंदर, जो दर्शकों को बहुत अच्छी लगती थी। उसके बाद जो महाभारत बनी उनके बाद, उसके बाद ग्लैमर ज्यादा दिखा।